हेलो गाइस, अंसारी हेयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे निमलेट टैबलेट के बारे में। निमलेट जो टैबलेट होती है वो किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, उसकी यूज़ देखेंगे, डोज देखेंगे और उसके लास्ट में देखेंगे साइड इफेक्ट, फिर देखेंगे उसकी MRP। तो सबसे पहले बात करें निमलेट, ये ब्रांड नेम हो गया। ये ब्रांड नेम अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग चेंज मिलते हैं और इसमें कंपोजिशन ये निमोसिलाइड प्लेन वाला होता है। निमोसिलाइड जो इसके अंदर है वो 100 mg। ज़्यादातर जो टैबलेट होती है निमोसिलाइड प्लेन वाली जो होती है वो 100 mg के साथ ही आती है। ये निमोसिलाइड ये यहाँ पर हो गया और यहाँ पे ये क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है 100 mg। 100 mg के अंदर निमोसिलाइड इसके अंदर है। इस टैबलेट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे हेडेक हो रहा हो, बॉडी में पेन हो रहा हो या कहीं हाथ में पेन हो रहा हो, उसका सब कंडीशन में इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इस टैबलेट का यूज़ हम हेडेक वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ये तो हो गए इसकी किस किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें डोज की, तो डोज क्या रहेगी, तो 15 से 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं उसको ये टैबलेट ले सकते हैं। खाने के बाद में सुबह शाम इसको यूज़ कर सकते हैं, एक एक टैबलेट। और देन यहाँ पे अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट इसके होंगे, अगर इसको खाने से वॉमिटिंग से अगर लग रहा है, एकदम से उल्टी वगैरह फील हो रहा है, नौजिया वगैरह या चक्कर वगैरह आते हैं, तो उस सब कंडीशन में इसको नहीं लेंगे, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, फिर जो भी आपको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे उस मेडिसिन को आप यूज़ करेंगे। देन यहाँ पे अगर इसकी मैन्युफैक्चर की बात करें तो मैन्युफैक्चर ये करता है कैमेटेक फार्मास्यूटिकल्स, इसको मैन्युफैक्चर करता है मीनापुर मेरठ रोड गाज़ियाबाद में ये मैन्युफैक्चर होती है। ये इसका लाइसेंस नंबर हो गया। और यहाँ पे वार्निंग देखिए, यहाँ पे वार्निंग भी दी हुई है, निमोसिलाइड जो 100 mg है इसके अंदर, निमोसिलाइड शुड नॉट बी गिवन बिलो 12 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड। 12 साल का अगर कोई बच्चा है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज़ नहीं करेंगे। 12 साल से अगर ऊपर का होगा तभी, 12-15 साल से ऊपर का होगा तो ही ये टैबलेट वो यूज़ कर सकता है। यहाँ पे ये वार्निंग दी हुई है। यहाँ पर एक वार्निंग और दी हुई है, निमोसिलाइड जो कंपोजिशन है इसको 10 दिन तक रेगुलरली अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके लीवर डैमेज हो सकता है, तो 10 दिन तक रेगुलरली इसको यूज़ नहीं करेंगे। ये काफ़ी सारी यहाँ पे वार्निंग लिखी हुई है। ये यहाँ पे दिया गया है स्टोर इन कूल डार्क एंड ड्राई प्लेस। इसको हम स्टोर करेंगे कूल ठंडे प्लेस में, डार्क एंड ड्राई प्लेस और सूखे प्लेस में। और यहाँ पर दे रहे हैं प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, और ये जो डायरेक्ट हमारी सनलाइट पड़ती है, सूरज की लाइट जो पड़ती है मेडिसिन पर डायरेक्ट नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ये और वार्निंग यहाँ पे दी हुई है, कीप मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, ये जो मेडिसिन है बच्चों से दूर रखनी है। इतनी सारी वार्निंग इसलिए दी हुई है कि बच्चों से ये टैबलेट दूर रखनी है। टैबलेट है शेड्यूल एच के अंडर में आती है। शेड्यूल कई सारे टाइप के होते हैं। शेड्यूल एच का मतलब होता है कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, डॉक्टर की सलाह से ही लें। हमने इस टैबलेट का यूज़ देख लिया, डोज देख ली। डोज आपको मैंने बता दी, 15 साल से ऊपर के लोग ले सकते हैं दिन में 2 बार खाने के बाद में, और वो भी 10 दिन तक लगातार इस टैबलेट का यूज़ नहीं करेंगे। और इसके साइड इफ़ेक्ट भी देख लिए। इसके MRP की बात करें तो MRP इसकी है 21 रुपये 70 पैसे पर 10 टैबलेट, मतलब 20 रुपये की 10 टैबलेट ये हो गई, 2 रुपये की एक टैबलेट आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और मेडिसिन यूज़ करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।